गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमारा जो ये फिफ्थ चैप्टर है मैथ्स का शेप्स एंड डिज़ाइंस बच्चों इस पे मैंने आज का टॉपिक जो लिया है वो लिया है पजल्स। क्या लिया है? पजल। अब वो पजल कैसी है? काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है, मज़ा आने वाला है। एक्चुअली आपको करना क्या है, आपको कुछ ढूंढना है, ठीक है? और ढूंढना क्या है? ऑफकोर्स आप अपने फ्रेंड्स को तो नहीं ढूंढेंगे, हाइड एंड सीक नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे, आप हाइड एंड सीक खेल रहे हैं फ्रेंड्स के साथ नहीं, आप खेल रहे हैं शेप्स के साथ, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं बेटा इसमें आज आपको करना क्या है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आपको इस तरह से दी हुई होगी और आपको उन शेप्स में से ढूंढना है ट्रायंगल्स को। ट्रायंगल्स आप सबको पता है थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर, तो ट्रायंगल्स आपको उन सब में से ढूंढना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इन शेप्स को करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें इसमें समझा देती हूँ। ये देखिए मैंने कुछ बेसिक शेप्स आपके लिए बना रखी हैं। इन बेसिक शेप्स में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल्स जो छिपे हुए हैं उनको काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फोर साइडेड फिगर ले लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है, कुछ नहीं, हम सिंपल से आगे चल रहे हैं, काउंट करना है ट्रायंगल्स को। ट्रायंगल्स मतलब थ्री साइडेड फिगर। आप ध्यान से देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल हो गया आपके पास जिसको मैं शेड कर रही हूँ, एक ट्रायंगल ये हो गया जिसको मैंने क्रॉस किया, दूसरा नंबर का ट्रायंगल ये हो गया जिसको मैंने सर्कल किया, थर्ड नंबर का ट्रायंगल ये हो गया और जिसमें मैंने छोटे छोटे बॉक्स बना लिए हैं, ये हो गया आपका चौथे नंबर का ट्रायंगल। तो आपने ध्यान से देख लिया है बेटा कि हमारे पास चार ट्रायंगल, क्रॉस, शेड, बॉक्स एंड सर्कल, चार ट्रायंगल्स तो हमारे पास हो चुके हैं। अब और ट्रायंगल कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से देखेंगे तो शेड और क्रॉस को मिला के ये वाला बन रहा है हमारे पास। ये ध्यान से देखिए, जहाँ मेरी पेंसिल चल रही है ये देखिए, ये वाला ये भी तो एक ट्रायंगल है। इन दो छोटे ट्रायंगल्स को लेके एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है ना। तो ये नंबर 5 हो गया, उसके बाद शेड और बॉक्स को मिला के ये वाला नंबर 6 हो गया, उसके बाद बॉक्स और सर्कल को मिला के एक और ट्रायंगल बन रहा है नंबर 7, और सर्कल और क्रॉस को मिला के ये वाला जो सर्कल बन रहा है ये देखिए, ये वाला सर्कल ये बन गया नंबर 8। तो आप क्या कह सकते हैं बेटा, इसमें आप ढूंढ चुके हैं, आपके पजल कंप्लीट, इसमें हैं 8 ट्रायंगल्स, इजी। तो चलिए अब लेते हैं दूसरे नंबर की शेप, ये वाला देखेंगे, बहुत ही इजी दिख रहा होगा, बिल्कुल है भी इजी। एक ट्रायंगल है आपका ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल नंबर 1, और एक है आपका पूरा ट्रायंगल ये जो बना हुआ है पूरा, ठीक है? तो ये हो गया आपका ट्रायंगल नंबर 2। तो यहाँ पे आपसे कोई पूछेगा कितने ट्रायंगल्स छिपे हुए हैं, तो आप कहेंगे 2 ट्रायंगल्स। अब थर्ड वाला देखिए, इसमें ट्रायंगल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल नंबर 1, ये हो गया ट्रायंगल नंबर 2, ये हो गया ट्रायंगल नंबर 3, ये हो गया ट्रायंगल नंबर 4, इजी। अब आपसे कोई पूछेगा और ट्रायंगल आपको इसमें ढूंढने हैं तो आप कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले तो आप दो दो ट्रायंगल्स को मिला के कोशिश करिए, पहले सिंगल सिंगल ढूंढना, दो दो को। अब देखिए 1 और 2 को मिला के कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, 2 और 3 को मिला के भी कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, 3 और 4 को मिला के भी नहीं बन रहा है, और 4 और 1 को मिला के भी नहीं बन रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब 3 को लेके चल लेते हैं, 3 को हम लेके देखेंगे तो कोई ट्रायंगल नहीं, एक बस बेसिकली ये वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो टोटल आपसे कोई पूछेगा कितने ट्रायंगल्स यहाँ पे हैं, तो आप कहेंगे देयर आर 5 ट्रायंगल्स। इजी स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ गया ना बेटा, क्या बेसिकली आपको करना क्या है बच्चों, सबसे पहले स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं, सबसे छोटे छोटे ट्रायंगल्स से शुरू करना है, फिर दो दो ट्रायंगल्स को मिला के देखना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, पहले हमने छोटे छोटे छांट लिए, उसके बाद हमने शेड और क्रॉस को लिया, फिर क्रॉस और सर्कल को, फिर सर्कल और बॉक्स को, फिर बॉक्स को और शेड को, तो टोटल 8 हो गए। और एक चीज़ और ध्यान रखना है बेटा आपको, अगर इसमें दोनों डायगनल्स को मिला के एक फोर साइडेड फिगर जो है चार पार्ट्स में आपका डिवाइड है, तो ऑटोमेटिकली 8 ट्रायंगल्स तो उसमें बनने ही बनने हैं। तो चलिए बेटा अब हम लोग लेके चलते हैं अपने बुक्स की क्वेश्चंस की और बुक्स की पजल्स को। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स, इन फिगर्स में आपको ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। आई एम श्योर अभी तक आप लोग स्मार्ट हो चुके होंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये फोर साइडेड फिगर है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 8 तो बन चुके हैं ट्रायंगल्स। एक बार फिर से बता ही देते हैं, 1 2 3 4 चार ट्रायंगल बन चुके हैं। उसके अलावा फिर से समझा रही हूँ जो मैंने अभी आपको समझाया था, ये देखिए यही तो है फोर साइडेड फिगर, सेम है। चलिए तो 4 के बाद, उसके बाद 1 और 2 को मिला के बना ट्रायंगल नंबर 5, यहाँ पे लिख देती हूँ इनके बीच में, 2 और 3 को मिला के बना ट्रायंगल नंबर 6, 3 और 4 को मिला के बना ट्रायंगल नंबर 7,
वन और फोर को मिला के बना ट्रायंगल नंबर एट। तो देखिए एट ट्रायंगल बन गए इसमें। उसके बाद और बाहर की ओर चलते हैं, ट्रायंगल नंबर 9, 10, 11 एंड 12। तो टोटल आप लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हो गए आपके पास? यस, 12 ट्रायंगल्स। चलिए अब हम बात करते हैं अपने इस वाले फिगर की। आप फिर से ध्यान से देखेंगे, ये देखिए बन चुका है आपके पास फिर से एक फोर साइडेड फिगर। ऑटोमेटिकली एट ट्रायंगल्स तो यहाँ से बन चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 4 और 1 और 4 को मिला के 5, 1 और 2 को मिला के 6, 2 और 3 को मिला के 7, 3 और 4 को मिला के 8। देखिए 8 ट्रायंगल्स बन गए। अब हम ध्यान से देखेंगे, इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से अटैच्ड एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप कह देंगे इसको ट्रायंगल नंबर 9। अब क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है तो इसको इफेक्ट डालेगा, कहने का मतलब है। तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे इन दोनों को मिला के ये वाली लाइन देखेंगे, ये ध्यान से ये वाली लाइन देखिए जिसको मैं अभी शेड कर रही हूँ। इस लाइन ने इसके साथ और इसके साथ एक और ट्रायंगल बना दिए। देखें, देख रहे हैं आप लोग जिसको मैं बाउंड्री कर रही हूँ, ये भी एक ट्रायंगल है। तो देखिए ये हो गया आपका ट्रायंगल नंबर, देखिए 9 हो चुका था, ये हो चुका आपका ट्रायंगल नंबर 10। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। ये देखिए ये बन गया ट्रायंगल नंबर 11, ये बन गया ट्रायंगल नंबर 12। फिर से ध्यान से देखेंगे 11 और 12 को मिला के ये वाला देखिए, ये भी एक ट्रायंगल बन चुका है स्टूडेंट्स, है ना, 11 और 12 को मिला के, तो ये बन गया आपका ट्रायंगल नंबर 13। और ये वाला छूटा हुआ है अभी लास्ट वन, ये है ट्रायंगल नंबर 14। तो यहाँ पे कितने आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास? 14 ट्रायंगल्स। इजी। चलिए अब हम लेके चलते हैं ये वाला, ये देखिए 1, 2 स्मॉलर से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट ट्रायंगल के बाद 1-1 ट्रायंगल के बाद 2-2 ट्रायंगल्स मिलाना शुरू करो। 1 और 2 को मिला के तो बॉक्स बन रहा है, फोर साइडेड नहीं होगा। 2 और 3 को मिला के भी बॉक्स नहीं होगा। 3 और 4 अलग ही हैं, 2-4 से भी नहीं होगा, 1-4 से भी नहीं होगा, 5-6 से नहीं होगा, 6-7 से नहीं होगा, सारे कॉम्बिनेशन मिला के देख लो नहीं होगा। तो फिर 3-3 की ओर हम लोग बढ़ना शुरू करते हैं बेटा। तो उसमें आप देखेंगे ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, देखेंगे जिसमें 3, 5, 6, 8 आ रहा है। ये देखिए मैंने शेड कर दिया यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो 9 ट्रायंगल्स हो चुके थे, ये बन गया आपका ट्रायंगल नंबर 10। उसी तरह से आप देखेंगे 4, 7, 6 और 9 को मिला के ये वाला ट्रायंगल, ये देखिए ये वाला भी एक ट्रायंगल बन चुका है जिसमें मैं शेड कर रही हूँ। ये वाला देखिए यहाँ से स्टार्ट है, दिस वन एंड दिस वन, ये हो गया ट्रायंगल नंबर 11। ठीक है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 को मिला के भी ये देखो ऊपर ही ऊपर ये ट्रायंगल बन रहा है। ध्यान से सुनिए, 1, 2, 3 और 4 को मिला के बन रहा है, ये बना इसका बेस और यहाँ से ऊपर, और ये भी एक ट्रायंगल बन गया। तो देखो 11 हो चुके थे, ये बन गया ट्रायंगल नंबर 12। और एक पूरा बेसिकली सबसे बड़ा ट्रायंगल, सबसे बिगेस्ट ट्रायंगल ये बन गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगल नंबर 12। हो चुके थे 13, यानी कि टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास? हो गए हैं 13 ट्रायंगल्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा, कहने के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है क्योंकि ये हाइड एंड सीक है। क्योंकि आप लोग क्या करने निकले आज, ट्रायंगल्स हाइड हो रखे थे, आपने उनको सीक किया, आपने ट्रायंगल्स को ढूंढा। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें आगे बहुत आपके काम आती हैं। आगे मैथ्स में आपके पास सिमिलैरिटीज़ होती है, कॉन्गुरेंसी होती है, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको ट्रायंगल्स ढूंढने पड़ते हैं, आपको सिमिलैरिटीज़ ढूंढनी पड़ती है, कॉन्गुरेंसी ढूंढनी पड़ती है। आप कह रहे होंगे मैम ये कौन से बड़े बड़े वर्ड्स आप बोल रही हैं, आप ये समझ के चलिए आगे आपके पास सीनियर क्लासेस में कुछ ऐसी मैथ्स आएगी उसमें बेसिकली आपको ढूंढना पड़ेगा, ऐसे ही छिपी छिपी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। तो आप लोग इसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा बेटा, बहुत ही अच्छे से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।